हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप देख सकते हो कि मेरे पास एक गाउन है और हम इस गाउन की आपको ड्राई क्लीन करना बताएंगे कि हम इसी कैसे हम ड्राई क्लीनर वाश करेंगे। आप देख सकते हो कि इस पर कलर लगा हुआ है जगह जगह। आप देख सकते हो ये रेड पीला कलर लगा हुआ है इस गाउन के ऊपर। पूरा चमकदार गाउन है, ये चमकीला गाउन है जो इसकी सितारियाँ भी करते। आप देख सकते हो कि कितना मैला गाउन है, नीचे से भी पूरा मैला हो चुका है ये, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है और लोग बारिश में पहनते हैं तो इस पर मिट्टी कीचड़ लग जाती है बारिश के अंदर। आप देख सकते हो कि कैसा बारिश के अंदर भीज के और वो कैसे हो चुका है ये। आप देख सकते हो कि पूरा ही मैला हो चुका अच्छी तरह और इस पर कलर लगे हुए हैं। और मैं इसको आपको घरेलू जो अपने नुस्खे होते हैं मैं उससे ही आपको इसको ड्राई क्लीन करके बताऊंगा कि हम घरेलू नुस्खे से हम कैसे इसकी ड्राई क्लीन कर सकते हैं। मैं पूरे गाउन की ड्राई क्लीन करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि हम इसको कैसे हम ड्राई क्लीन कर सकते हैं। मैं इसको कम से कम पहले 10 मिनट पानी में लेके रखूँगा, पानी जी और थोड़ा हम हाइबो मिलाएंगे जिसके इससे जो कलर होता है वो निकल जाए। हम इसको हाइबो का प्रयोग करेंगे, हमें थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मैला हो चुका है ये पूरा। ये आप देख सकते हो कि कितना मैला है, नीचे से आप देख सकते हो कि पूरा कीचड़ में हो चुका है ये। और हमें इसमें हाइबो का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आप देख सकते हो कि मैं इसको हाइबो सरफ और इजी के अंदर इसको मैं बह के रखूँगा ताकि 10 मिनट लग जाएंगे इसको बह के रखने में। आप देख सकते हो कि पूरा मैल हो चुका है इस कारण, और मैं इसको बह के रख दिया है ताकि ये अच्छी तरह साफ हो सके। कम से कम 10 मिनट मैं इसके अंदर बह के रखूँगा। आप देख सकते हो हमारे काम को देखते हुए कम से कम 5 मिनट लग चुके हैं। अब मैं इसको बाहर निकालूंगा और अपने आसपास को हल्का हल्का रगड़ूंगा ताकि इस पर जो भी मैल हो कीचड़ वो निकल सके। आप देख सकते हो इस पर जो भी कीचड़ लगी हुई है वो थोड़ा थोड़ा कम होती जा रही है, कम पड़ती जा रही है। आप देख सकते हो जो कीचड़ लगी हुई थी, और हम इसको जहाँ भी कीचड़ लगी वहाँ पर हम ब्रश मारेंगे और आपको दिखाएंगे कि हम कैसे इसको ब्रश मारेंगे। इसको बाहर निकाल दें। आप देख सकते हो कि हम गाउन के इसके अंगड़ों को मारेंगे ताकि ये साफ हो सके जो हमारे नीचे से कीचड़ लगी हुई है। हम पूरे फेस के ब्रश मारेंगे, धीरे धीरे हम इसके ब्रश मारते रहेंगे ताकि ये साफ हो सके। पहले सारा अंदर का जो अस्तर होता है उन पर हमें ब्रश मारनी होती है क्योंकि अंदर से ही अधिकतर सारा अंदर का बहुत ज़्यादा मैल होता है। आप देख सकते हैं इस पर ब्रश मार दिए, इसके बाद हम इसको उसी पानी में दोबारा देंगे। और हमें इसके अंदर ही अपने हाथों से रगड़ेंगे, इसको पूरे को हम अपने हाथों से रगड़ेंगे दोनों हाथों से अच्छी तरह ताकि इसमें जो भी मैल हो रह चुका है वो भी हम उतार देंगे। और आप देख सकते हो कि इसमें जो रेड कलर लगा हुआ था, रेड और पीला, हमने वो भी पूरा साफ कर दिया। आपको दिखाएंगे इसको एक बार ड्राई करने के बाद हम आपको दिखाएंगे कि हमने इसका कलर था जो वो भी उतार दिया है, और हम आपको दिखाएंगे।
आप देख सकते हो मशीन में ड्राई करने के लिए डाल दिया है और हमने दोनों ताकि अच्छी तरह घूम जाए। आप देख सकते हो हमारा गांव बिल्कुल साफ हो चुका है एकदम, और जो इस पे रेड और पीले धब्बे लगे हुए थे वो भी हमने कलर लगवा के वो बिल्कुल साफ कर दिया है। और मैंने बिल्कुल इजी तरीके से इनके ड्राई क्लीन की है, ड्राई क्लीन वाश की है, जो आप भी अपने घर में कर सकते हो। मैंने सिर्फ इजी सर्फेक्शन और क्लीनिंग प्लग शैम्पू का प्रयोग किया है, जो आप भी अपने घर में आसानी से मिल जाते हैं और हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि इस पर जो भी रेड कलर के वो धब्बे लगे हुए थे बिल्कुल साफ हो चुके हैं एकदम। ये बिल्कुल एकदम नया जैसे हो चुका है और हमने बिल्कुल नीचे से जो पिक्चर थी वो भी सारी बिल्कुल साफ हो चुकी है एकदम। आरके ड्राई क्लीन टेक, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।